नमस्कार दोस्तों, आपका वेद क्लास में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, मैथ के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यह है दोस्तों, इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करके इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो क्या करना होगा, इसमें वोडोमास के रूल को फॉलो कराना होगा दोस्तों। किसका? बी वोडोमास, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे बी फॉर वेनिकुलम, यानी दोस्तों बार, सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे। फिर बी फॉर क्या होता है, ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में आएगा सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर उसके बाद देन आफ्टर मंझला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ओ फॉर ऑफ होता, ऑफ मतलब का, ठीक है दोस्तों। का शब्द जहाँ पे आएगा उसको सॉल्व करेंगे, और का यूज़ हम मल्टीपल के तरीके से करते हैं। डी फॉर डिवीजन दोस्तों, डिवाइडेड यानी भाग, ठीक है। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, ठीक है दोस्तों। ए फॉर एडिशन यानी प्लस जोड़, ठीक है। एस फॉर सब्सट्रैक्शन माइनस माइनस, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसी क्रम पे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए पहले यहाँ पे देखिए, आपको दिखा है, दिख रहा होगा कि सबसे पहले आपको यहाँ पे तो बार है ना, तो बार को सॉल्व करा जाएगा, फिर उसके बाद छोटे ब्रेकेट को, फिर उसके बाद मंझले ब्रेकेट को, उसके बाद बड़े ब्रेकेट को, ठीक है, सॉल्व करा जाएगा इसी क्रम में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को लिखते हैं कि लिख एक्स माइनस, फिर बड़ा ब्रेकेट लगा हुआ है, वाई माइनस जेड माइनस, फिर ब्रैकेट में लिखा एक्स माइनस वाई प्लस सॉरी माइनस जेड, ठीक है, माइनस जेड के ऊपर बार लगा हुआ है, फिर उसके बाद छोटा ब्रैकेट ऑफ, फिर उसके बाद मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक को सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो रेखा कोष्ठक को सॉल्व करने के लिए तो क्या करेंगे, रेखा कोष्ठक हटा देंगे, हट गया, ठीक है दोस्तों। मगर यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पे माइनस लगाए तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस ही रहेगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व हो गया। अब उसके बाद किस छोटे ब्रेकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों, छोटे ब्रेकेट को सॉल्व करेंगे। तो छोटे ब्रेकेट को जब सॉल्व कर रहे होंगे तो क्या आ रहा होगा, यहाँ से छोटा ब्रेकेट हटा देंगे और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ देखिए माइनस चिन्ह है। जब छोटा ब्रेकेट हटेगा तो ये माइनस चिन्ह अंदर वाले चिन्ह को बदल देगा, ठीक है, इसके अंदर वाले चिन्ह को बदल देगा, ठीक है। तो छोटा ब्रेकेट हटाते हैं, ठीक है, हट गया, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा कि ये चीज़ आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये जो प्लस है आपका ये माइनस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद किसको सॉल्व करेंगे, अब मंझले ब्रेकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मंझले ब्रेकेट को सॉल्व करेंगे तो देखिए मंझले ब्रेकेट के पहले क्या है, माइनस है, तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, चलिए हटाते पहले। तो ये देखिए मंझले ब्रेकेट को मैंने हटा दिया, उसके बाद जो चिन्ह है ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब बड़े ब्रेकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बड़े ब्रेकेट को जब सॉल्व कर रहे होंगे तो क्या है, बड़े ब्रेकेट के पहले माइनस चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। तो उसके बाद ये हटाए, ठीक है, ये हट गया। अब क्या करेंगे, जो माइनस है उसको प्लस बनाते, ये प्लस बन गया, ठीक है, और ये प्लस बन गया, और जो प्लस है इसको हटाएंगे, ठीक है, ये और ये हटा दिया, ठीक है, इसको बनाएंगे माइनस, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, क्लियर बात समझ में। प्लस एक्स माइनस एक्स से कटेगा, माइनस वाई प्लस वाई से कटेगा, माइनस प्लस जेड माइनस जेड से कटेगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वन माइनस वन अपॉइंट टू, फिर अगले ब्रेकेट में दिया वन माइनस वन पॉइंट थ्री, इसी तरह डॉट डॉट कहाँ तक दिया, वन माइनस वन पॉइंट ट्वेंटी तक दिया है, ठीक है। लास्ट पद क्या दिया, वन माइनस वन पॉइंट ट्वेंटी। तो सबसे पहले इस तरह के जब भी क्वेश्चन आपको मिले तो आपको करना क्या है कि तीन पद लेने हैं, ठीक है दोस्तों, तीन पद। तो इसको हम पहला पद बोलेंगे जैसे, और यह तीसरे पद को मैं लास्ट पद बोलता, जैसे इसमें लास्ट पद कितना है भाई, इस पूरे सीरीज में लास्ट पद कितना, वन माइनस वन पॉइंट ट्वेंटी वाला है। तो इस तरह हम तीन पद ले रहे हैं तो लास्ट वाला पद कौन सा होगा, वन माइनस वन पॉइंट फोर। इसी के ये करते हैं, फिर इसी के अकॉर्डिंग पूरे का आंसर निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में क्या होगा कि ये इसमें मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद ये घट जाता है, तो दो एक कम दो, दो में से एक निकलेगा एक बटा दो, आया, क्लियर। फिर उसके बाद तीन एक कम तीन, तीन में से एक निकलेगा कितना, दो बटा तीन, क्लियर। फिर उसके बाद चार, चार एक कम चार, चार में से एक निकलेगा कितना आएगा, तीन, तीन बटा चार, ठीक है। ये दो से दो कटा, ये तीन से तीन कटा, मैंने तीन लिया था, तो आपका आया क्या, ऊपर पहले वाले का ऊपर वाला बचा था, पहले वाले का ऊपर वाला बचा, तो मैंने लिख लिया। और तीसरे यानी अंतिम वाला जो मैंने तीन लिया था, तो तीसरा मतलब अंतिम वाला
का नीचे वाला बचा है, ठीक है, बट अच्छा तो इस तरह है। अब इसी तरह सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सबसे पहले ऊपर वाला लिख लेंगे और लास्ट में क्या बचा है, बीस, एक बटा कितना है भाई, लास्ट में नीचे बीस लिखा हुआ है। देखिए मैंने क्या किया था, नीचे आपका तीसरा लिया था तो नीचे चार लिखा था, तो यहाँ पे क्या लिखा है, बीस लिखा है, तो बटे बीस, तो एक बटा बीस आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, समझ में आई बात। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि ए प्लस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री हो तो ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है। ठीक है चलो, ठीक है ये पूछा है, तो क्या करते, चलो इसको पहले इरेज करते, ये मेरे दो पावर यहाँ से हटाएंगे तो इधर क्या बनेगा, स्क्वायर रूट बनेगा, अंडर रूट थ्री बन जाएगा। ठीक है, अब उससे हमसे ये पूछा है, होता क्या है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है दोस्तों, ए प्लस वन अपॉन ए का होल क्यूब, ठीक है, माइनस, ठीक है माइनस क्या होता है, माइनस थ्री ए इंटू बी, ब्रेकेट में ए प्लस बी, सॉरी वन अपॉन लिखेंगे, ठीक है, यही तो होता है, यही तो होता है दोस्तों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी इन ब्रेकेट ए माइनस बी, यही तो होता है ना आपका। तो इसी ए के जगह पे हमने क्या लिखा, ए लिखा है, बी के जगह पे वन अपॉन ए लिखा है। ठीक है, तो आपका पता चल गया कि ए प्लस वन अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, रूट थ्री है। ठीक है, रूट थ्री का क्या हो जाएगा, क्यूब होगा, माइनस ए से ए कटेगा आपका बचेगा थ्री, और ए प्लस वन अपॉन ए की जगह कितना है, रूट थ्री। ठीक है, रूट थ्री का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, थ्री रूट थ्री आएगा। ठीक है, माइनस थ्री रूट थ्री, थ्री रूट थ्री में से घट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। आपका राइट आंसर जो हो जाएगा जीरो, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा होगा, बी वाला। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वन प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन, वन प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, वन प्लस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री, वन प्लस वन अपॉन एक्स प्लस फोर की वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए क्या होता, एक्स प्लस वन से आप वन में गुणा करते हैं और वन जोड़ देते हैं। ठीक है, तो कितना आता, एक्स प्लस टू आता अपॉन एक्स प्लस वन, ये होता गुणे, फिर इस तरह कर रहे होते इसमें भी, तो कितना आता, एक्स प्लस थ्री बाई एक्स प्लस टू, यही होता, फिर इसमें कर रहे होते तो एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री, ठीक है दोस्तों, गुणे कितना आता, एक्स प्लस फाइव अपॉन एक्स प्लस फोर, यह होगा, ये वाला इससे कट रहा है, फिर ये वाला इससे कट रहा है, ये वाला इससे कट रहा है, बच रहा क्या, ये बचा, बचा ना एक्स प्लस फाइव अपॉन, ऊपर बचा ये नीचे बचा एक्स प्लस वन, तो कितना है, एक्स प्लस फाइव अपॉन एक्स प्लस वन, आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 999 सही 98 बटा 99 गुणे 99। ठीक है दोस्तों, ये कभी आप समझ पा रहे होंगे कि ए सही बी बटे सी लिखा होता है, तो हम लिखते हैं ए प्लस बी बटा सी, ये लिख सकते हैं इसको, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम इसको लिखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट भी गुणा करते हैं तब भी आता है, मगर टाइम बचाना है। ठीक है, तो क्या करना होगा कि हम इसको लिख सकते हैं कि देखिए पहले 999 प्लस 998 बटा 99, ठीक है, फिर गुणा लगा हुआ 99, ये लिखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए क्या, क्योंकि हम 99 लिखा है, 99 से मल्टीप्लाई है, तो 99 को हम कुछ लिखेंगे नहीं। ठीक है, ऐसे रह लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1000 माइनस एक कर सकते हैं इसको, 1000 माइनस वन प्लस, इसको आप 98 बटा 99 ही रहने दीजिए, क्योंकि बाहर 99 से गुणा है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे इसको बात को, इससे इसमें गुणा करेंगे, ये वाले से इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 99 ट्रिपल जीरो माइनस 99, यही तो होगा, यही तो बात होगी, क्लियर है बात। अब उसके बाद क्या होगा कि माइनस प्लस होगा, 98 बटा 99 गुणे 99, इसमें भी तो गुणा होगा। ठीक है, 99 से 99 कट जाएगा, अब घटा रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा, देखिए घटा रहे होंगे तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 आएगा, और उसके बाद 9 में से 9 जाएगा 0 आएगा,
फिर उसके बाद क्या होगा कि 9 आएगा, 8 आएगा, फिर 9 आएगा, ठीक है। अब प्लस कितना जोड़ना है, 98 बचा है आपको, ठीक है। तो 8 9 9 18 के 8, 8 बचा, 8 एक 9 हो जाएगा, ठीक है, 9, ठीक है। कितना है, 99,000, 9,900। हम लोगों ने कुछ गड़बड़ किया क्या, सॉरी इसमें तो थोड़ा सा ये अब करेंगे। देखिए यहाँ पे 5 अंक है तो 5 अंक में ही आंसर आना चाहिए। तो क्या होगा कि 8 हो जाएगा, ये 8 एक 9 हो जाएगा, ठीक है, फिर ये 9 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना, 98,999, ये आंसर आएगा, 98,999, 98,999। तो आपका नो सर ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 3/4 तथा 4/7 का अंतर 100 है तो वह संख्या क्या होगी। हमसे पूछा क्या है कि वह संख्या क्या, मतलब संख्या पूछा है, ठीक है। तो मान लेते वह संख्या x है, लेट मैंने कर लिया, तो कितना आएगा, 3/4x माइनस 4x/7, मतलब इसमें दोनों का अंतर कितना बता रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है 100 को, यह मैंने करा। क्या होगा, 7 3 21x माइनस 4 4 16, ठीक है, 4 4 16x बटा 7 4 28, यह होगा बराबर 100, ठीक है, यह हुआ, ठीक है दोस्तों। अब क्या हो जाएगा, 21 में से 16 निकलेगा 5x बराबर, ठीक है, और 100 × 28 हो जाएगा, ठीक है, ये इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब 5 से काट देते हैं, 5 × 2 = 10 = 0, ठीक है, एक्स 28 × 56 560, ठीक है, 560 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह संख्या कौन सी होगी, 560, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो बस दोस्तों अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।